कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फिर अभी अभी रख सॉरी तो अभी अभी ना सुबह का टाइम हो रहा और सुबह के बज रहे हैं 7 बज रहे हैं और बारिश इतनी तेज हो रखी, इतनी तेज में कल फिर 3-4 बजे के करीब ही लाइट कट गया था। कल से इन्वर्टर चल रहा था हमारा, एक पंखा चलता रहा चलता रहा, फिर मुड़ गया आज सुबह 6 बजे के लगभग ना पंखा बंद हो गया। गर्मी लगने लगी, मैं उठ के आई बाहर, मैंने मौसम अच्छा को बाहर सोती हूँ, चटाई बिछा के तब से लग देख रही हूँ बारिश हो रही है। फिर मैं यही हॉल में ही चटाई बिछा के बैठ गई हूँ, हस्बैंड जी इधर सोफे में बैठे हुए हैं, सोए हुए हैं भाई, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। फिर और आज बारिश हुआ ना एकदम मौसम, कल बारिश होने वाली थी होते होते रह गई, आज जैसे ही बारिश हो गई मौसम मस्त हो गया, रिलैक्स हो गया, एकदम थोड़ी सी अच्छी मौसम बन गई। तो गाइस पता है आप सभी को क्या हो गया मेरे घर में? पता नहीं कहाँ से फ्रेंड हम लोग अमृतसर गए थे ना, उसके एक दिन पहले बारिश बहुत हुई थी और बारिश में ना पता नहीं फ्रेंड कहाँ से न जाने कहाँ से घर में सांप आके बैठ गया है। कल से हम लोग परसों से हम लोग आए हैं घर पे फ्रेंड, मैं हर जगह ढूंढ रही थी उसको, झाड़ू लगा लगा के हर जगह ढूंढ रही थी कि है कहाँ। तो ढूंढते मैं थक गई थी पर सांप का पता नहीं कर रहा था कि कहाँ है। मिल गया अभी, अभी मिला है भाई अभी। तो अभी वो ना पाइप है ना बाहर पानी निकलने वाला, उसमें अंदर से कहीं भी आने का रास्ता नहीं है फ्रेंड, वो बाहर से ही आया, मुझे ऐसा लग रहा बाहर से ही आया था और आके बैठ गया पाइप में। मैं कल से बहुत परेशान थी इसको ढूंढने के, मुझे टेंशन ये था कि बच्चे घर में खेलते रहते हैं और कल हम लोग वहीं पे साफ सफाई किए हैं फ्रेंड, दिखाई नहीं दिया बिल्कुल भी साफ। हम भी दिखाई नहीं दिया है। कल हम लोग कितना सफाई किए, मैं सारा उधर का जो भी कचड़ा पचड़ा था थोड़ा फेंकने वाला वो सारा ही निकाल के रखी फेंकने के लिए, पर दिखाई दिया ही नहीं। और अभी मैं ना आंगन धो रही थी, मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए आंगन मेरा गीला पूरा ना, मैं कल का बारिश हुआ था तो लाइट आया सुबह, कपड़े धोई मैं, फिर सोची मैं आंगन धो लेती हूँ। आंगन जैसे ही मैं धो रही थी वैसे ही मैं पानी में सोची पानी बाहर क्यों नहीं जा रहा। फिर मैं गई वहाँ पे, मैं कपड़ा तो नहीं है वहाँ पे अंदर, कपड़ा हम लोग डाल के रखते पाइप में ताकि अंदर ना आए कुछ भी, और ये सांप उसी में आकर बैठ गया था। बारिश हो रही थी हम लोग कपड़ा निकाल के चले गए थे कि अगर कपड़ा नहीं निकालेंगे तो आंगन का पानी बाहर नहीं जा पाएगा, तो इसलिए कपड़ा निकाल के चले गए थे, उसी पाइप के अंदर आ गया और अंदर आके बैठा है। गाइस मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है, डर नहीं मम्मी बोला, मुझे डर लग रहा है बेटा। आपके अंदर आ जाएगा, काट लेगा हम लोग को, मुझे बड़ा डर लग रहा है मम्मी। मम्मी मेरे को आईडिया आ गया, पापा बता दो, पापा तो आई नहीं गए, हस्बैंड जी मेरे बहुत दूर गए फ्रेंड। अभी मैं फोन आई, मुंह की हालत देखिए कैसी हो रखी है, क्यों हो रखी है ना, गर्मी बहुत है, सुबह से काम करे इसलिए। और हस्बैंड जी मेरे दूर गए, उनको आते आते आधे घंटे लगेगा, आधे घंटे में सामने जाने क्या करेगा वो, ठीक है आपको बता रही हूँ गेट खोल के रखी हूँ, अगर अंदर आया मैं भाग जाना बाहर। आपको पता है मैं ना पानी आंगन धो रही थी जब ना, तो मैं सोची पानी क्यों नहीं जा रहा बाहर, मैं ऐसे उधर हाथ लगा के कपड़ा सोची मैं खींच रही थी उसको, साफ था मैं उसको कपड़ा समझ के खींच रही थी। फ्रेंड शादी को 6 साल हो गया, मैं कभी भी सांप इस घर में मतलब देखी नहीं थी पिंड में पूरे, आज मैं देख रही हूँ क्या यार। देखिए फ्रेंड आधे घंटे तक मैंने वेट किया कि चलो सांप अंदर है, मेरे हस्बैंड तब तक आ जाएगा, पर वो दूर गए थे, काफ़ी दूर गए थे, उनको आने में 1 घंटे लग गए, और तब तक सांप ना वो जो बैठा था पाइप में ना, वो पाइप में से निकल के इधर जो सब्जी वगैरह लगाई हूँ ना उस साइड पे आके बैठ गया, और बहुत ही भयंकर सांप था फ्रेंड, डरावना था, ऐसे मुँह हिलाते हुए चल रहा था। तो अभी वही लोग मारने के लिए आए हुए हैं, तो चाची जो मैं बताई जो चाची है ना बगल की मर्डी पर वो पड़ोसी है, बहुत अच्छी है, हमेशा मतलब कोई भी चीज़ हो ना उनको बोलो तो वो फटाक से आ जाती है, तो अभी मैं उनको फ़ोन लगाई हूँ तो वही आई हैं और 2-4 लोगों को लेके आई हैं,
तो अभी वही लोग मार रहे सबको। और मतलब अंदर है फ्रेंड, अगर अंदर चला जाएगा कमरों में कहीं जाके छिप जाएगा फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा, इसलिए फिर इसको मारो। बाहर भी नहीं निकाल सकते मार इसको, क्योंकि बाहर भी किसी के घर में अगर चला जाएगा फिर लोग बोलने लगेंगे कि अपने घर से निकाल के फिर यहाँ पर भेज दिए, इसीलिए इसको मारना ही सही समझे लोग। तो फिर इसको मारने के मार वार दिए हैं, अब बाहर निकालेंगे तो आप देखिएगा। अभी ये इकट्ठा सा हो गया ना तो इसलिए छोटा सा दिख रहा है, नहीं तो जब चल रहा था ना तो वो बहुत बड़ा दिख रहा था फ्रेंड चलते वक्त। अभी ये काफ़ी छोटा दिख रहा है। तो अभी मैं बाहर खड़ी हूँ बच्चों को लेके, और देखिए वहाँ पे निकाल के बाहर फेंक दिए हैं। तो बहुत ही भयंकर है ये, और कितना लंबा है आप देख सकते हो। और मेंढक खाया हुआ था फ्रेंड, बहुत 3 मेंढक भी खाया था, इसका पेट फूला था और पाइप में जाके बैठा था, पूरा पाइप में फंसा हुआ था, देखिए कैसा है। तो है बड़ा, काफ़ी बड़ा है, अभी इकट्ठा हो गया, देखिए पलटते जा रहा था, देखने ही डर लग रहा था गाइस। तो यहाँ पर बस सांप को मारा जा रहा है, और अच्छे से इसको मार मुर के, तब जब मार मुर के ख़त्म हो जाती कहानी फिर मेरे हस्बैंड की आते हैं ब्लॉग में, देखिएगा अभी दिखाई देंगे। वो भी दूर गए थे ना, वहाँ से आते आते इनको 1 घंटे लग गए थे। तो 1 घंटे तक अगर मैं इनका वेट करती तब तक सांप अगर अंदर आ जाता फिर मैं क्या करती, और बच्चे भी डर गए थे, मैं भी डर गई थी, हम लोग रोने लगे थे। तो यहाँ पे देखिए सांप अंदर से बाहर आ गया है और सांप को मार रहा है। तो फ्रेंड अभी ना मैं आपको बताऊँ, मेरी शादी को 6 साल हो गए, 7वां स्टार्ट हो गया, और 7 साल में मैं यहाँ पर सांप नहीं देखी थी, यहाँ पर मैंने सांप देखा ही नहीं था कभी भी, पर अभी मैं देख ली हूँ इसे 6 साल के बाद यहाँ पे सांप देखी हूँ। मैं ऐसे एक आंख बार में ऐसे रोड पे चलते हुए रात को आ रहे थे हम लोग तो देखे थे, और इस बार मैं अभी अपने घर में देखी हूँ 6 साल बाद। और हम लोग अपनी मम्मी के घर पे रहते थे ना तो सांप निकलते रहते थे वहाँ पे, तो वहाँ पे उतना वो नहीं था, लेकिन यहाँ पे अभी इतने दिनों बाद देखी ना फेस टू फेस, इसलिए डर ज़्यादा लग रहा था। और यहाँ पर देखिए कैसे कर रहा बेचारा, मारना नहीं चाहिए जानवर ही है, पर फिर अपनी जान बचानी पड़ती है फ्रेंड, इसलिए फिर मारना पड़ता है, अगर ना मारो तो फिर ये किसी को नुकसान भी कर सकते हैं। खेतों में इनकी जगह है, जब वहाँ पे नहीं रहेगी ये लोग घरों में आ जाते हैं, इसलिए फिर मारा जाता है। ये भी बेजुबान है, क्या करे, सबकी मजबूरी है, बच्चे लेके रह रही, बच्चे घर में हैं अकेले, फिर कोई पता नहीं होगा सांप का ना। और यहाँ पे देखिए सब लोग इकट्ठे हो गए, सारे लोग जमा हो गए सांप को देखने के लिए। बस अभी चले जाएँगे सांप को लेके, और आई होप कि आप सभी को सांप बहुत अच्छा लगा होगा, और जिसको अच्छा लगा हो तो वो लाइक कर दे, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, मेरे लिए नहीं ना सिर्फ सांप के लिए लाइक ज़रूर करिएगा फ्रेंड। बेचारे की आज डेथ हो गई है, और देखिए मेरे हस्बैंड जी भी आ जाएंगे तुरंत, और इसका कांड देखिए वैसे अभी भी घूम रहा है गाइस। चलिए कोई बात नहीं फ्रेंड, इस वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं, और फिर मिलेंगे एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। तो ब्लॉग मेरा एक रेडी नहीं हुआ था, उसकी एडिटिंग करनी थी, इसलिए फिर मैं उसको नहीं डाली अमृतसर वाला, अभी अमृतसर वाला मैं ब्लॉग डालूंगी कल। तो आज ये सांप वाला देख लीजिए आप सब, और सांप अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो जो ये सांप वाला वीडियो देखिएगा प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और फिर मिलेंगे एक अच्छे से ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।